हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है एल्टीमार चेंजिंग प्रोसीजर के ऊपर। सो इन केस आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई एल्टीमार है जो कि माल फंक्शन कर रहा है और उसका रिप्लेसमेंट करना है नए एल्टीमार के साथ, तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन नोट डाउन कर लेना चाहिए बिफोर चेंजिंग। सो एग्जांपल के तौर पे अगर ये एल्टीमार है और मुझे इसको चेंज करना है, तो सबसे पहला मैंने टोटल 6 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और उसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एल्टीमार के स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल्टीएमआर 08FCFM। तो जो नेक्स्ट एल्टीमार आप चेंज करें वो भी सेम रहना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन सेम रहना चाहिए। एक 100CFM का भी एल्टीमार आता है, तो उसके साथ आप चेंज ना करें। जो ये एल्टीमार है प्रीवियस वाला एल्टीमार था, तो नेक्स्ट एल्टीमार सेम स्पेसिफिकेशन का होना चाहिए। तो ये था पहला सबसे बेसिक पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम लोग डिस्प्ले के ऊपर। तो ये एल्टीमार का डिस्प्ले है और अब हम लोग नेक्स्ट टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लोड सीटी रेशियो। लोड सीटी रेशियो को कैसे चेक करना है और कैसे चेंज करना है उसके ऊपर आते हैं। सो यहाँ पे जो बटन है दैट इज मेन मेन्यू का बटन है, उसको प्रेस करेंगे और सर्विसेज में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले सर्विसेज में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आता है। अगर सीटी रेशियो को चेंज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करना होगा और उसको एंटर कॉन्फ़िगरेशन और यस करना होगा। अभी नो में है, यस करने के बाद यहाँ पे जो स्टेटस है वो चेंज होगा। ऑफ कंडीशन में है, यस करने के साथ ये देखिए ट्रिप इंडिकेशन में आएगा और ये डिस्प्ले आता है। उसके बाद नेक्स्ट मीटरिंग में जाना है, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है मीटरिंग सेटिंग। उसके बाद लोड सीटी रेशियो नीचे, नेक्स्ट एंटर करना है और उसके बाद जो भी सीटी आप लगाने वाले हैं उसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जब तक आप लोग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएंगे ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। ये होने के बाद जो भी है उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन पे यस किया था उसको हटाना है। सर्विसेज में जाके कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे एंड कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है और यस करना है। यस करने के बाद बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्मल हो जाएगा। लोड सीटी रेशियो पहला ऑप्शन पहला पॉइंट था। उसके बाद है सेकंड लोड कॉन्टैक्टर रेटिंग। तो इसमें भी सेम है, सबसे पहले हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ सर्विसेज में जाने के बाद तभी जाके आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वो 100% श्योर है कि नहीं। तो पहले मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में जाने के बाद कंट्रोल सेटिंग, इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्टर का रहेगा। मोटर के बाद कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग। अभी इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो एडिट करने के लिए जो मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन में जाना है उसके बाद ही एडिट आएगा। तो जो पहला एल्टीमार है तो उसमें आप पहले ये चेक कर लें, उसके बाद आप जब वापस से कॉन्फ़िगर नया एल्टीमार डालेंगे तो सर्विसेज में जाके सेम कॉन्फ़िगरेशन एंटर कॉन्फ़िगरेशन यस करना है। यहाँ पे चेंजेस होगा, ट्रिप में इंडिकेशन जाएगा और कंट्रोल सेटिंग लास्ट ऑप्शन था, तो कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर में जाने के बाद यहाँ देखिए अब एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा अगर नए एल्टीएमआर में उसका सेटिंग वैल्यूज चेंज है, रेटिंग चेंज है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लस माइनस या फिर चेंज करके हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बैक जाते हैं और सर्विसेज में जाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको एंड कॉन्फ़िगरेशन करके नॉर्मलाइज करते हैं एल्टीएमआर को। ओके, नॉर्मलाइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है लोड करंट रेटिंग, दैट इज़ FLC1 ऑफ सिस्टम। तो इसमें हम लोग को एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो उसका स्टेप क्या है, सबसे पहले मेन्यू में जाना है, उसके बाद प्रोटेक्शन सेटिंग्स, इसमें थर्मल का है ऑप्शन, थर्मल के बाद थर्मल ओवरलोड और नीचे जाने के बाद FLC1 आता है, फुल लोड करंट 1। तो इसमें ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे रहा है
चेंज करने का, एडिट करने का फुल लोड करंट को। तो डिजायर्ड जो भी आपका फुल लोड करंट है उसको आप डिजायर्डली चेंज कर सकते हैं, और ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। फिर बैक जाना है नॉर्मलाइज मेन स्क्रीन पे, या फिर होम स्क्रीन प्रेस करके आई प्रेस कीजिए तो जो मेन स्क्रीन है वो आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एड्रेस और बॉड रेट ऑफ LTMR। तो ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा सो दैट वीडियो, ये पर्टिकुलर वीडियो छोटा रहे। और लास्ट ऑप्शन है सेटिंग द पावर ऑफ पावर, जो LTMR का पावर है, जो सिस्टम का पावर है किलोवाट, उसको कैसे करते हैं, सेट करते हैं। तो उसके लिए है मेन्यू में जाना है, मीटरिंग में जाना है, उसके बाद मोटर, मोटर में जाने के बाद नॉमिनल पावर बोल के एक आएगा ऑप्शन, देखिए नॉमिनल पावर आया, और इसमें किलोवाट, HP में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो किलोवाट चेंज सिलेक्ट करेंगे, और जो भी रेटिंग है इस पर्टिकुलर पैनल का या फिर पर्टिकुलर इक्विपमेंट का जो इसके साथ कनेक्टेड है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ पे एडिट करना है। बस यही टोटल 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट डाउन करना है, मेंशन अपने माइंड में रखना है वाइल चेंजिंग LTMR विद द न्यू वन। सो होप ये वीडियो यूजफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स।